मेरी ननद के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर और अमीर खानदान से रिश्ते आते थे, लेकिन वो हर बार मना कर देती थी। तभी एक रोज उनके लिए एक बदसूरत लड़के का रिश्ता आया, तो वो झट से मान गई और उनकी शादी भी हो गई। एक दिन मैंने देखा कि मेरी ननद तो उस लड़के के ऊपर, दोस्तों मेरा नाम सोनू है, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इकलौती होने की वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण में मेरे माता पिता ने किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी, और भगवान की कृपा से हम लोगों के पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि मेरे पिताजी एक अच्छी नौकरी करने वाले और खुले विचारों वाले थे, इसलिए उन्होंने कभी मेरे ऊपर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं लगाई। इस तरह से अब मैं कॉलेज में जब पढ़ाई करने के लिए गई तो मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, जिसका नाम राहुल था। मैं राहुल को इस कदर प्यार करने लगी कि उसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। राहुल एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, वह भी एक अमीर खानदान से था। मुझे उसकी अमीरी का कोई लालच नहीं था, लेकिन उसका साफ दिल देखकर मैं उसकी तरफ हमेशा खींची चली जाती थी। वह दूसरों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटता था और एक अच्छी पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी भी था, और कभी भी गंदे विचार भी नहीं रखता था। एक संस्कारी परिवार की होने की वजह से मैं उससे बेहद प्यार करने लग गई थी। राहुल भी मुझे लेकर बहुत लॉयल था, वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों आपस में खाना पीना करना और पूरा दिन कॉलेज में रहते थे, लेकिन हमारे प्यार की एक सीमा थी। हम प्यार में आकर कभी भी अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करते थे, साथ में पढ़ाई करना भी हमारी एक आदत थी। सब लोग हम लोगों के रिश्ते से वाकिफ थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसे हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता नहीं हो, लेकिन हम दोनों के रिश्ते से किसी को ऐतराज भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अपने कायदे में रहकर ही सब काम किया करते थे। कॉलेज में जाने के बाद ही पढ़ाई करने लग जाते और साथ में एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हुए मौज मस्ती करते थे। हम लोगों के प्यार से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हम लोगों का कॉलेज भी पूरा हो गया है, राहुल भी आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया और मैं भी आगे की पढ़ाई के बारे में सोचने लगी। तभी एक रोज मेरे चाचा जी हमारे घर आए और कहने लगे कि हम लोगों को अब इसका रिश्ता नहीं करेंगे, इसे आगे की पढ़ाई करवानी है, जब ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी उसके बाद ही इसकी शादी के बारे में सोचेंगे। तभी मेरे चाचा जी कहने लगे कि लड़के वाले बहुत ही अच्छे हैं, इसके आगे की पढ़ाई करवाने के लिए बिल्कुल राजी हैं, उन्हें इस चीज़ से भी कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। तभी मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है, हम लोग सोच कर बताएंगे। दरअसल मेरे पिताजी को एक टीवी की बीमारी थी, जिसके अंदर वह अक्सर बीमार ही रहते थे, इसलिए डॉक्टरों ने भी उन्हें साफ मना किया हुआ था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरे पिताजी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अपनी बेटी का हंसी खुशी और बड़ी ही धूमधाम से विवाह करना चाहता हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब भगवान के पास चला जाऊँ, इसलिए मुझे अब इसका रिश्ता तय ही कर देना चाहिए। मैंने पिताजी को बहुत समझाया लेकिन पिताजी नहीं माने। तभी मैंने सोचा कि एक बार राहुल से बात करती हूँ। अभी राहुल ने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे, अगर तुम्हारा कहीं और रिश्ता हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम हम दोनों के रिश्ते के बारे में अपने घर पर बात कर लो, अगर फिर भी कोई बात नहीं बनती है तो आगे के बारे में मैं सोचता हूँ। तभी मैंने बड़ी ही हिम्मत के साथ अपने माता पिता से मेरे और राहुल के रिश्ते के बारे में बात कर ली। मुझे इतना तो विश्वास था कि वह लोग मुझे मना नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से ही उन लोगों की सोच एक अच्छी और ऊंची रही है। जब मैंने राहुल के बारे में उनसे बात की तो उन लोगों को कोई ऐतराज नहीं हुआ और उन्होंने झट से हाँ बोल दिया। तभी पिताजी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें राहुल पसंद है और तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, हम राहुल के घर पर तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात कर लेंगे। तो मैंने यह बात जब राहुल को बताई तो राहुल भी दिल्ली से वापस आ गया और उसने अपने माता पिता से भी हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात कर ली, और इस तरह हम दोनों का रिश्ता भी तय हो गया। इस तरह अब हम दोनों की शादी भी तय हो गई। अब शादी में ज़्यादा दिन नहीं बचे थे, अगले हफ्ते ही मेरे और राहुल की शादी होने वाली थी। अब मेरी होने वाली सास भी मुझसे बातें करने लगी, और मेरी ननद भी जो राहुल से 2 साल छोटी थी उसका नाम गीता था। गीता एक नेक दिल लड़की थी, वह हमेशा ही मुझे अपनी भाभी कम और सहेली ज़्यादा मानती थी। मैं अपने ससुराल में जाने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मिले हैं। खैर, आज मेरी और राहुल की बड़े ही धूमधाम से शादी हो गई और मैंने अपने ससुराल के अंदर
सब लोगों के साथ रहना सीख लिया और उनके कायदे कानून भी सीख लिए। वैसे मुझे वहां पर जमने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि राहुल और उसके सभी परिवार वाले मुझे समझते थे और हम दोनों के रिश्ते को भी वह लोग समझते थे कि मैं किस तरीके से रह कर आई हूँ, इसलिए हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब मैं अपनी ससुराल के में बेहद खुश थी, क्योंकि राहुल की माँ यानी कि मेरी सास भी मुझसे बेहद प्यार करती थी। कभी भी मेरी ननद और मुझ में फर्क नहीं रखती थी। मेरी ननद अभी कॉलेज में ही थी और कॉलेज की पढ़ाई करती थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी ननद का भी कॉलेज पूरा हो गया, तभी उसके घर में रिश्ते की बात चालू हो गई। वैसे मेरी ननद किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस अपने आप में ही मगन रहती थी। पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठे रहना और पढ़ाई कर लेना या फिर मोबाइल चला लेना, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं सूझता था। अगर कोई भी उससे बात करना चाहता था तो वह उनसे बस बात कर लेती थी। वह बेफिजूल ना तो कभी बोलती थी ना ही घर से बाहर जाती थी, बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज ही उसका आना जाना था। शाम को खाना खाने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते थे, लेकिन गीता तो इन सबसे दूर ही रहती थी। वह तो बस सीधा खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती और अंदर से कुंडी लगा लेती। मैंने काफ़ी बार अपनी सास से और राहुल से गीता के बारे में पूछा कि इनका यह ख्याल क्यों है। तुम लोगों ने बोल दिया कि गीता बचपन से ही ऐसी है, ये ज़्यादा बोलती नहीं है, बस अपने आप में ही मस्त रहती है, ना किसी से कुछ कहती है ना कुछ, और बस पढ़ाई कर लेती है और बस अपने आप में ही मगन रहना उसकी आदत है। खैर, मुझे उनके ऐसे व्यवहार से थोड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि अक्सर हर किसी के साथ बातें करने से हमारा दिन गुजरता है और अच्छा भी लगता है। और अगर हम किसी ने इंसान से मिलते हैं तो उसके साथ भरपूर बातें करते हैं, लेकिन हमारे घर में चाहे मेहमान हो या कोई और, लेकिन गीता तो बस नमस्ते के अलावा उनके साथ कभी कुछ नहीं बोलती। खैर, अब तो उनके रिश्ते भी की बात शुरू हो गई थी। घर में सब लोगों को बस यही चिंता सता रही थी कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए ताकि गीता अपने ससुराल में खुश रहे। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा एक और फिक्र हो रही थी, गीता तो ना किसी के साथ बोलती है, बस अपने आप में ही मगन रहती है, पता नहीं अपने ससुराल में किस कदर मैनेज कर पाएगी। क्योंकि अगर इसके ससुराल वाले ज़्यादा बोलने वाले निकल गए तो उन लोगों को तो लगेगा कि गीता किसी अकड़ की वजह से नहीं बोल रही है, कोई भी उसके बारे में सोचेगा नहीं। और अक्सर इस तरह चुपचाप रहना हर किसी को वहम में डाल देता है। लेकिन खैर, मैंने सोचा कि हो सकता है इनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, मुझे इसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। खैर, अब गीता के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। कभी अमीर खानदान से तो कभी लड़का सुंदर होता था तो कभी लड़का संस्कारी होता था, लेकिन गीता तो हर बार हर लड़के को मना कर देती थी। घर वाले अब पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतने अच्छे अच्छे रिश्ते लाने की कोशिश की, लेकिन गीता ने किसी को भी हाँ नहीं बोला। तभी एक रोज़ राहुल के मामा जी घर पर आए और कहने लगे कि मेरी नज़र में एक लड़का है, अपने माता पिता का इकलौता ही है और काफ़ी संस्कारी भी है और अमीर खानदान भी है, पढ़ा लिखा लड़का है, कुछ सालों के बाद वह विदेश भी चला जाएगा और अपनी गीता को भी साथ में ले जाने के लिए तैयार है। अगर कहो तो उसके साथ हमारी गीता के रिश्ते की बात चला दीजिए। तभी मेरे ससुर ने हाँ बोल दी और उन लोगों ने गीता के रिश्ते के बारे में बात चला दी, लेकिन जब लड़के वाले देखने के लिए आए तो गीता ने उन लोगों से मना कर दिया। अब तो हम सभी घर वालों की परेशानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राहुल और मेरे ससुर ने तो गीता से साफ बोल दिया कि आखिर तू चाहती क्या है, तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते हमने देखे, लेकिन तुझे कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है। अगर तेरी नज़र में कोई लड़का है तो वह बता दे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन गीता ने कहा कि मेरी नज़र में कोई लड़का नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे लड़का सही लगेगा मैं आपको हाँ बोल दूंगी, क्योंकि पूरी उम्र लड़के के साथ मुझे बितानी है, ना कि आप लोगों को। अभी मेरे ससुर ने कहा कि इसमें कमी ही क्या रह गई है, संस्कारी और अच्छे और अमीर खानदान के लड़के तेरे लिए तलाश कर लिए, अब उससे अच्छा तो क्या हो सकता है। तभी गीता कुछ ना बोली और सीधा अपने कमरे में चली गई। तभी मेरी सास ने मेरे ससुर से कहा कि आप लोगों से ज़्यादा परेशान मत कीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। तभी कुछ दिनों के बाद मेरे ससुर के पास एक फ़ोन आता है, उनके दोस्त का फ़ोन होता है। वह कहते हैं कि एक लड़का हमारी नज़र में है, लड़का अमीर है लेकिन दिखने में ज़्यादा
खूबसूरत नहीं है, एक बार वह भी देख लेते हैं। तभी मेरे ससुर ने मना कर दिया और कहा कि अगर गीता को इतने सुंदर सुशील लड़के पसंद नहीं आए तो क्या बदसूरत लड़का पसंद करेगी, ये आने का कष्ट ना करो। लेकिन वह लोग नहीं माने और मेरे ससुर के दोस्तों ने घर पर बुला लिया। उस लड़के को देखते ही झट से गीता ने हाँ बोल दी और कहा कि मैं इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो हम सभी घर वाले अचंभे में थे कि आखिर ये क्या हो गया। गीता को आज से पहले इतने रिश्ते दिखाए गए लेकिन कोई भी पसंद नहीं आया, लेकिन इस बदसूरत लड़के के लिए गीता ने झट से हाँ कर दी, लेकिन किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। सबने सोचा कि कोई बात नहीं, रंग रूप तो देखा जाएगा, लेकिन लड़का संस्कारी और अमीर घराने से है, इसलिए सब लोगों ने ज़्यादा कुछ भी ना सोचे गीता की शादी उसके साथ तय कर दी और कुछ ही दिनों में गीता की शादी भी हो गई। अब गीता अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगी, लेकिन सब लोग इस बात को भूल चुके थे। लेकिन मेरे दिमाग से यह बात नहीं निकल रही थी, या फिर गीता ने इस बात बदसूरत लड़के के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दी है। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। कुछ महीनों बाद गीता के ससुराल वालों ने हम लोगों को खाने पर बुलाया। दरअसल उन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। उनका मेन कारण था कि गीता गर्भवती थी। हम लोगों के भी खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि अब हम लोग भी नाती बनने वाले थे, इसलिए सब लोग तैयार होकर गीता के ससुराल चले गए। वहां जाकर मैंने गीता के ठाट देखे और वह अपने पति के साथ इतनी खुश थी कि जितनी एक हैंडसम लड़के के साथ हो। लेकिन मेरे दिमाग में फिर से वही बात आ गई और मैंने जब गीता को अकेले पाया तो उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए कसम दी और कहा कि मुझे सच सच बताइए कि आखिर आपको यह बदसूरत पसंद क्यों आया, उससे पहले के सभी रिश्ते आपने क्यों ठुकरा दिए, क्योंकि बेवजह तो ऐसा नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई बात है। मेरी कसम के आगे गीता मजबूर हो गई और उसके बाद जो गीता ने बताया उसे सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। गीता ने कहा कि जब वह कॉलेज में पढ़ाई करती थी तो उसके दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो गया और वह लड़का उसके साथ धोखा कर रहा था। देखने में सुंदर भी था और अमीर घराने का था, इसलिए उस लड़के को बहुत सी लड़कियां मिल गईं और वह सभी के साथ ऐसा ही करने लगा। मैं इस धोखे को बर्दाश्त ना कर पाई और इस तरह अपने मन में धारणा बना ली कि जो भी सुंदर लड़का होगा वह बिल्कुल ऐसे ही धोखा करेगा। उस दिन से मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं किसी बदसूरत से ही शादी करूंगी ताकि मुझे अपने जीवन में कभी भी धोखा ना खाना पड़े। इसलिए मैंने एक से बढ़कर एक सुंदर रिश्ते को ठुकरा दिया क्योंकि मेरे मन में डर था यह लोग भी मेरे साथ ऐसा ना कर दें। इसलिए मैंने इस बदसूरत से शादी की ताकि ये मुझे कभी धोखा ना दे और मैं इसके साथ खुश रहूं। तभी मैंने अपनी ननद की सारी बातें सुनने के बाद बहुत अफसोस किया कि मैं न जाने अपने मन में क्या क्या सोच रही थी। अब मुझे समझ में आ चुका था कि गीता इतनी चुपचाप और गुमसुम क्यों रहती थी। मैंने अपनी ननद के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, भला बदसूरत की भी तो ज़िंदगी होती है, लेकिन आपने जो धोखा खाया था उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अभी आप अपने जीवन में बहुत खुश हो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तभी हम दोनों ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक दूसरे को गले लगा लिया। मैंने घर पर आकर ये सारी बातें जब राहुल को बताई तो राहुल को भी बहुत अफसोस हुआ। उसने खुद को कोसना शुरू कर दिया और कहा कि मेरी बहन कितनी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तकलीफ नहीं जानी और उसके रिश्ते मना करने की वजह से उस पर गुस्सा भी करता रहा। हम लोगों ने उसके दिल की एक बार भी नहीं जानी। हमें समझना चाहिए था कि आखिर वह किस वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन हम लोगों ने तो उसे जरा भी नहीं समझा। तभी मैंने राहुल को समझाते हुए कहा कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अगर गीता एक बार भी आप लोगों से बात करती तो आप उसका जरूर सहयोग करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि गीता अपने ससुराल में बहुत खुश है, इतनी खुश तो वह शायद हमारे साथ भी नहीं रही होगी। खैर, ऐसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और अपनी पुरानी यादों को सोचते हुए चेहरे पर मुस्कान लेकर आ गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपकी दाहिनी तरफ एक बेल आइकन, उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी स्टोरीज सबसे पहले दिखाई दें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।